नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। नए वर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स का नया वर्ष बहुत मांगलिक और सुकून भरा रहे। व्यूअर्स, आइए जानते हैं नए वर्ष में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। मैं बता दूं व्यूअर्स, नए वर्ष की शुरुआत में सूर्य ग्रह 1 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2019 तक धनु राशि में यात्रा करेगा। उसके बाद 14 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 तक मकर राशि में यात्रा करेगा। इस प्रकार सूर्य हर राशि से यात्रा करते हुए 16 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक धनु राशि में यात्रा करेगा। चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में यात्रा करता है, जैसा कि आप जानते हैं। 6 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि से यात्रा करेगा नव वर्ष में। जहाँ तक मंगल ग्रह का संबंध है, नव वर्ष में यानी कि 1 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक मीन राशि में मंगल यात्रा करेगा। उसके बाद 5 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक मेष राशि की यात्रा करेगा। इस प्रकार संपूर्ण जोडियक साइन से यात्रा करते हुए 25 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक वृश्चिक राशि में यात्रा करेगा। जहां तक बुध ग्रह का संबंध है, 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक धनु राशि में यात्रा करेगा। 8 जनवरी 2019 से बुध अस्त होगा। 20 जनवरी 2019 से 7 फरवरी 2019 तक बुध मकर राशि में यात्रा करेगा। 7 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक कुंभ राशि में बुध यात्रा करेगा। 16 फरवरी 2019 से बुध उदय हो जाएगा। इस प्रकार बुध ग्रह संपूर्ण राशियों में यात्रा करते हुए 25 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक धनु राशि में यात्रा करेगा। जहां तक देवगुरु बृहस्पति का संबंध है, वर्ष आरंभ यानी 1 जनवरी 2019 से 29 अक्टूबर 2019 तक गुरु वृश्चिक राशि में ययात्रा करेगा। 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल तक गुरु धनु राशि में यात्रा करेगा। 11 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त 2019 तक गुरु वक्री रहेगा। 10 अगस्त 2019 से गुरु मार्गी होगा। 29 अक्टूबर से वर्ष समाप्ति तक गुरु धनु राशि में यात्रा करेगा। जहाँ तक व्यूअर्स शुक्र ग्रह का संबंध है, 1 जनवरी 2019 से 29 जनवरी 2019 तक शुक्र वृश्चिक राशि में यात्रा करेगा। 29 जनवरी 2019 से 24 फरवरी 2019 तक शुक्र धनु राशि में यात्रा करेगा। इस प्रकार पूरे वर्ष शुक्र यात्रा करते हुए 15 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक मकर राशि में यात्रा करेगा। जहां तक न्यायकर्ता ग्रह शनि का संबंध है, वर्ष आरंभ यानी 1 जनवरी 2019 से वर्ष समाप्ति तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक शनि धनु राशि में यात्रा करेगा। 1 मई 2019 से 17 सितंबर 2019 तक शनि वक्री रहेगा। 17 सितंबर 2019 से शनि मार्गी हो जाएगा।
जहाँ तक व्यूअर्स राहु केतु का संबंध है, वर्ष आरंभ यानी 1 जनवरी 2019 से 6 मार्च 2019 तक राहु कर्क राशि एवं केतु मकर राशि में यात्रा करेगा। 6 मार्च 2019 से वर्ष समाप्ति यानी 31 दिसंबर 2019 तक राहु मिथुन राशि एवं केतु धनु राशि में यात्रा करेगा। व्यूअर्स, ये था 2019 यानी कि नव वर्ष में ग्रहों का गोचर। मैं यहाँ बता दूँ वर्ष 2019 के सर्वसिद्ध मुहूर्त। इन मुहूर्तों में आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कोई नया कार्य, व्यापार, नींव रखना, गृह प्रवेश, शुभ एवं मांगलिक 2019 में आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, 9 फरवरी 2019 वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती है, कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 8 मार्च 2019 फुलेरा दूज है, इस दौरान भी आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 6 अप्रैल 2019 शनिवार, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नव संवाद, 2076 चैत्र नवरात्र बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, कार्य शुभ कार्य किया जा सकता है। 7 मई 2019 अक्षय तृतीया है, 10 जुलाई 2019 भडली नवमी है, विवाह कार्य के लिए बहुत शुभ मांगलिक शुभ कार्य किए जा सकते हैं। 8 अक्टूबर 2019 विजयदशमी है, विवाह आदि कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्य करना शुभ है। 25 अक्टूबर 2019 धन त्रयोदशी है, 27 अक्टूबर 2019 दीपावली है, इस दौरान वृषभ लग्न एवं सिंह लग्न में पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है। 8 नवंबर 2019 देव प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक शुक्ला एकादशी है, बहुत शुभ बहुत मांगलिक रहेगा। ये व्यूअर्स सर्वसिद्धि मुहूर्त के बारे में बताया, कोई मांगलिक कार्य इस दौरान कर सकते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। नए वर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स का नया वर्ष बहुत मांगलिक और सुकून भरा रहे। व्यूअर्स, आइए जानते हैं नए वर्ष में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। मैं बता दूं व्यूअर्स, नए वर्ष की शुरुआत में सूर्य ग्रह 1 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2019 तक धनु राशि में यात्रा करेगा। उसके बाद 14 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 तक मकर राशि में यात्रा करेगा। इस प्रकार सूर्य हर राशि से यात्रा करते हुए 16 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक धनु राशि में यात्रा करेगा। चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में यात्रा करता है, जैसा कि आप जानते हैं। 6 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि से यात्रा करेगा नव वर्ष में। जहाँ तक मंगल ग्रह का संबंध है, नव वर्ष में यानी कि 1 जनवरी 2019 से
5 फरवरी 2019 तक मीन राशि में मंगल यात्रा करेगा। उसके बाद 5 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक मेष राशि की यात्रा करेगा। इस प्रकार संपूर्ण जोडियक साइन से यात्रा करते हुए 25 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक वृश्चिक राशि में यात्रा करेगा। जहां तक बुध ग्रह का संबंध है, 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक धनु राशि में यात्रा करेगा। 8 जनवरी 2019 से बुध अस्त होगा। 20 जनवरी 2019 से 7 फरवरी 2019 तक बुध मकर राशि में यात्रा करेगा। 7 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक कुंभ राशि में बुध यात्रा करेगा। 16 फरवरी 2019 से बुध उदय हो जाएगा। इस प्रकार बुध ग्रह संपूर्ण राशियों में यात्रा करते हुए 25 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक धनु राशि में यात्रा करेगा। जहां तक देवगुरु बृहस्पति का संबंध है, वर्ष आरंभ यानी 1 जनवरी 2019 से 29 अक्टूबर 2019 तक गुरु वृश्चिक राशि में यात्रा करेगा। 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल तक गुरु धनु राशि में यात्रा करेगा। 11 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त 2019 तक गुरु वक्री रहेगा। 10 अगस्त 2019 से गुरु मार्गी होगा। 29 अक्टूबर से वर्ष समाप्ति तक गुरु धनु राशि में यात्रा करेगा। जहां तक व्यूअर्स शुक्र ग्रह का संबंध है, 1 जनवरी 2019 से 29 जनवरी 2019 तक शुक्र वृश्चिक राशि में यात्रा करेगा। 29 जनवरी 2019 से 24 फरवरी 2019 तक शुक्र धनु राशि में यात्रा करेगा। इस प्रकार पूरे वर्ष शुक्र यात्रा करते हुए 15 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक मकर राशि में यात्रा करेगा। जहां तक न्यायकर्ता ग्रह शनि का संबंध है, वर्ष आरंभ यानी 1 जनवरी 2019 से वर्ष समाप्ति तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक शनि धनु राशि में यात्रा करेगा। 1 मई 2019 से 17 सितंबर 2019 तक शनि वक्री रहेगा। 17 सितंबर 2019 से शनि मार्गी हो जाएगा। जहां तक व्यूअर्स राहु केतु का संबंध है, वर्ष आरंभ यानी 1 जनवरी 2019 से 6 मार्च 2019 तक राहु कर्क राशि एवं केतु मकर राशि में यात्रा करेगा। 6 मार्च 2019 से वर्ष समाप्ति यानी 31 दिसंबर 2019 तक राहु मिथुन राशि एवं केतु धनु राशि में यात्रा करेगा। व्यूअर्स ये था 2019 यानी कि नव वर्ष में ग्रहों का गोचर। मैं यहाँ बता दूँ वर्ष 2019 के सर्वसिद्ध मुहूर्त। इन मुहूर्तों में आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कोई नया कार्य व्यापार, नींव रखना, गृह प्रवेश, शुभ एवं मांगलिक 2019 में आप कर सकते हैं। व्यूअर्स 9 फरवरी 2019 वसंत पंचमी सरस्वती जयंती है, कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 8 मार्च 2019 फुलेरा दूज है, इस दौरान भी आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 6 अप्रैल 2019 शनिवार, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नव संवाद 20/76 चैत्र नवरात्र
बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, कार्य शुभ कार्य किया जा सकता है। 7 मई 2019 अक्षय तृतीया है। 10 जुलाई 2019 भडली नवमी है। विवाह कार्य के लिए बहुत शुभ मांगलिक शुभ कार्य किए जा सकते हैं। 8 अक्टूबर 2019 विजयदशमी है। विवाह आदि कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्य करना शुभ है। 25 अक्टूबर 2019 धन त्रयोदशी है। 27 अक्टूबर 2019 दीपावली है। इस दौरान वृषभ लग्न एवं सिंह लग्न में पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है। 8 नवंबर 2019 देव प्रबोधिनी एकादशी तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ला एकादशी है। बहुत शुभ बहुत मांगलिक रहेगा। ये व्यूअर्स सर्वसिद्धि मुहूर्त के बारे में बताया, कोई मांगलिक कार्य इस दौरान कर सकते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2019। गोचरीय दृष्टि से इन जनरल कैसा जाने वाला है मैं बता दूं। व्यूअर्स, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, जो नववर्ष में धनु राशि में बुध ग्रह के साथ महान राजयोग बुध आदित्य योग गोचर में बनाने जा रहा है। ये उनका 5वां भाव है। ये इंडिकेट करता है कि सिंह राशि वालों के लिए 2019 काफ़ी फॉर्चुनेट और परिवर्तन वाला रहने वाला है। उन्हें अपने हेल्थ और रिलेशनशिप का विशेष ध्यान 2019 में रखना चाहिए, क्योंकि बुध और सूर्य शनि के साथ है धनु राशि में। शनि और सूर्य में आपस में एनिमिटी है, जिसके कारण ये उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। ओवरऑल बहुत हैप्पीनेस, बहुत फॉर्चून चेंजर, कई मनोकामनाएं सिंह राशि वालों का 2019 में पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें नौकरी, शादी, हेल्थ में सुधार, विदेश यात्राएं और कोई समाचार आना जो काफ़ी लंबे समय से एक्सपेक्टेड था। आइए व्यूअर्स, देखते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी 2019 सिंह राशि वालों का कैसा जाने वाला है। जनवरी का पहला हफ्ता सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी परिवर्तन का रहने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें खूब मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के बाद उन्हें प्रमोशन उन्नति के आसार नज़र आएंगे। इस दौरान आप बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, कई नए काम करने को सोचेंगे, जो आने वाले महीनों में आप उसको पूर्ण भी कर लोगे। ऑफिस के अंदर नई पोस्ट, नया ट्रांसफ़र, नई जिम्मेदारी, नया बॉस आपको मिलने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है। आपके 10वें भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने से जो लोग वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉफिट, बहुत मांगलिक और बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। इस वीक के आखिर में आपको सुखद समाचार मिलने वाला है, कहीं से पैसा आएगा, उन्नति आएगी,
पुराने कर्ज से मुक्त हो जाओगे। जो लोग बिज़नेस के अंदर हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव ये वीक रहेगा। नया बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट, नए लोग, नए प्रॉफिट, नया कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करोगे और नई दोस्ती होगी। इस दौरान आपको ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर नौकरी के अंदर और बिज़नेस के अंदर साइन करते समय सावधान, कोई धोखा हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में सिंह राशि वालों के बहुत बड़ा चेंज आने वाला है हफ्ते के शुरुआत से ही। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको आने वाले समय में बहुत अच्छा सफलता मिलने वाला है। जो लोग विवाह का वेट कर रहे हैं, शुभ समाचार आने के संकेत हैं। आपकी राशि से चौथे भाव में जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन आपको मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, प्रोग्रेस देखने को मौका मिलेगा। जीवन का कुछ बेहतरीन पल जनवरी के महीने में सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा। जो लोग लव मैरिज के अंदर सोच रहे हैं सावधान, रिश्ते टूट सकते हैं। मोटे तौर पर समय मांगलिक रहेगा। आइए व्यूअर्स जानते हैं 8 जनवरी से 15 जनवरी तक, इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। इस दौरान आपको लीवर, लंग्स, पेट, हड्डियों की बीमारी हो सकती है। जो लोग प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट में कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलने के आसार नज़र आएंगे। उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। बीच बीच में उनके बॉस के साथ रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। आपकी राशि से सातवें भाव के लॉर्ड शनि का पाँचवें भाव में सूर्य के साथ होने से आपको कोई भी पार्टनरशिप, बिजनेस या जॉइंट वेंचर करते समय सावधान, रिश्ते बिजनेस में टूट सकते हैं। कोई भी मिलजुल कर जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें रिश्तों को बना कर रखिएगा, वो रिश्ते टूट भी सकते हैं। इस दौरान फाइनेंशियल मैटर्स में, आर्थिक मामलों में बहुत सावधान, विश्वास करने से विश्वासघात होगा। हफ्ते के आखिर में बिजनेसमैन को कहीं से शुभ समाचार मिलेगा, जैसे फाइनेंशियल लाभ होगा। नौकरी पेशे करने वाले लोगों को भी फाइनेंशियल बड़ी लाभ की स्थिति नज़र आएगी। जो लोग कॉमोडिटी ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, एजुकेशन बिजनेस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा सकारात्मक ये वीक जाने वाला है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान उनकी एकाग्रता कम हो जाएगी और नंबर कम आ सकते हैं। ऑफिस के अंदर ध्यान रखिएगा, बिजनेस में भी ध्यान रखिएगा, कोई आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा सकता है जिससे नाम खराब होने के पूर्ण संभावनाएं दिखते हैं। व्यूअर्स आगे चलते हैं और जानते हैं 16 जनवरी से 23 जनवरी तक, ये समय आपका मध्यम रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है, किसी की लापरवाही की वजह से आपको मैरिड लाइफ में सेपरेशन जैसी स्थिति देखने को मिल सकता है। घर में अपने बड़े बुज़ुर्ग माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, घर के लोगों के बीमार होने के पूरे चांसेस हैं। जो लोग बिज़नेस के अंदर हैं उन्हें प्रॉफिट नहीं आएगा, बाधाएं उत्पन्न होगी। नौकरी करने वालों को भी सावधान रहना चाहिए। ऑफिस के अंदर बॉस के साथ झगड़े, कॉलीग्स के साथ झगड़े, कोई आपके साजिश कर सकता है जिससे आपको डैमेज हो सकता है ऑफिस के अंदर। आपकी राशि के स्वामी सूर्य पर राहु की दृष्टि होने से आपके विरोध करने वाले लोग अचानक सामने खड़े हो जाएंगे और डैमेज करेंगे, सावधान रहिएगा। घर में नया वाहन आएगा, नए लोग घर में आएंगे, मित्र घूमने के लिए आएंगे, खर्चा बढ़ेगा। संतान के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा।
हफ्ते के आखिर में कई चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, परिवार समेत घूमने का मौका मिलेगा, आपके विरोधी पक्ष शत्रु बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के अंदर कोई भी मामला हो वो आपके पक्ष में रहेगा। हफ्ते के आखिर में आपको फाइनेंशियल लाभ मिलेगा, बड़े अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको एक्सीडेंट से भय है, पानी बिजली से सावधान, हेल्थ का ध्यान रखिए। और हफ्ते के आखिर में एक खुशखबरी आएगी जिससे आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यूअर्स आगे चलते हैं और जानते हैं 24 जनवरी से 31 जनवरी इस दौरान बिजनेसमैन को बहुत लाभ और फ़ायदा दिखने को मिलेगा। जो लोग विदेशी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको बहुत उन्नति देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं ये समय सर्वश्रेष्ठ जीवन का रहेगा। शादी के लिए यह बहुत अनुकूल समय है, इस दौरान कईयों की शादियां भी फिक्स हो जाएगी और कईयों को नई नौकरी भी मिलेगा। अपने घर में माता पिता का हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनके बीमार होने के भी चांसेस हैं। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर शांति बनाकर रखिएगा, लोगों से मतभेद होने के पूर्ण चांसेस हैं। इस दौरान वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, लोगों से झगड़ा हो सकता है। जो लोग मीडिया एंटरटेनमेंट फिल्म्स पब्लिकेशन की दुनिया से कनेक्टेड हैं उनको बहुत फ़ायदा और पावरफुल टाइम देखने को मिलेगा। परिवार में खुशियां आएंगी, नया मकान, नई गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर आएगा और नए घर में आपको गृह प्रवेश करने का मौका मिलेगा। जो लोग लव अफेयर्स के अंदर है उनके शादी के पूर्ण संभावनाएं दिखते हैं। मोटे तौर पर यह समय सामान्य रहेगा। आइए व्यूअर्स जानते हैं चंद्रमा के गोचर से नववर्ष 2019 में सिंह राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि उनकी डेस्टिनी में कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चंद्रमा का मूवमेंट बहुत सेंसिटिव होता है और इसका डेस्टिनी पर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होते हैं वो कई प्रकार की परेशानियों से जाते हैं और जिनका पावरफुल होता है उन्हें कई सुखद परिस्थितियां जीवन में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं मून का क्या इम्पैक्ट सिंह राशि वालों पर रहेगा। मैं बता दूं व्यूअर्स, 6 जनवरी को न्यू मून है कैप्रिकॉन में। इस दौरान आपके काफ़ी खर्चे होंगे घर और परिवार के लिए, आपकी यात्राएं होंगी और आप अपने कई पुराने चीज़ों के बारे में बहुत गंभीर से सोचोगे और चिंतन करोगे। विदेश से कहीं आपका लिंकअप होगा या विदेशियों से फ़ायदा है, नौकरी में, बिजनेस में या यात्राओं के लिए प्रोग्राम्स बनेगा, कहीं पर जॉइंट वेंचर के भी चांसेस हैं। 14 जनवरी इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, आपका लोगों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध होंगे, यात्राएं होंगी, इमोशनल रिलेशनशिप बनेंगे। जो लोग पब्लिक रिलेशन, आर्ट, रिसर्च, सेल्स, कमीशन में इन्वॉल्व हैं उनका बहुत अच्छा समय रहेगा। इस दौरान एंगेजमेंट, वेडिंग होगी, साथ में कंट्रोवर्सी, सेपरेशन भी होगा, डाइवोर्स, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सुख और दुख दोनों की परिस्थितियां निजी जीवन में चंद्रमा का ये मूवमेंट इंडिकेट करता है। 21 जनवरी को फुल मून सिंह राशि में होगा, इस दौरान आप बहुत बड़ा सोचोगे, आपकी एम्बिशन बहुत बढ़ जाएगी, आप कोई काम करोगे बहुत दिमाग से और लंबी दूरी की सोच करके, जिसका फ़ायदा इस वर्ष के अंत में आपको मिलेगा। आप हर जगह विनर होगे, चाहे मैनेजमेंट हो, वर्क एफिशिएंसी, हैंडलिंग और प्रमोशन। आपकी पर्सनैलिटी बहुत डायनेमिक हो जाएगी और कई काम करने का सोचोगे और परिणाम बड़े सकारात्मक आएंगे। इस दौरान आप जो भी काम करोगे उसका एक बहुत बड़ा राजयोग का फल वर्ष के अंत में आपको मिलेगा। ये इस गोचर का ट्रेंड रहेगा। व्यूअर्स, 27 जनवरी को चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा,
आपका कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट में बाधाएं आएंगी, कई काम इम्पॉसिबल हो जाएगा, कई कमिटमेंट आप कर नहीं पाएंगे, कई अलायंस मैरिज पब्लिसिटी सब में अशांति होगी, आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा। और अगर आपने टॉलरेट कर लिया तो ये समय जो है आप निकाल लेंगे। मोटे तौर पर बहुत अच्छा, बहुत शुभ। व्यूअर्स, अक्सर आप लोगों में से अनेक लोग ईमेल कमेंट्स के द्वारा पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है, हमें क्या उपाय लेना चाहिए जिससे हमें सुकून मिले। व्यूअर्स, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, तमाम परेशानियों का उपाय आध्यात्म के क्षेत्र में है। आप जब तक आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, तब तक आपको तमाम प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, उस दिन से आप समझ लेना कि आप अपनी परेशानियां नौकरी में, शादी में, घर परिवार में, समाज में, कहीं से भी आपकी जो इश्यूज आ रही हैं, आप उनको बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करने में सक्षम हो। उपाय ये है कि आप साधना करें, यानी कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर प्रभु मालिक का स्मरण करें, दान पुण्य करें, लोगों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, मंत्र चैंटिंग जाप करें, आपको जरूर राहत मिलेगा। बहुत सी शक्तियां हैं जो हवा में विराजमान है। जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी में जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा पहुंच नहीं जाते, तब तक वो शक्तियां परमात्मा की आपसे वार्तालाप नहीं करेगी और ना ही आप उनका आभास पा सकते हो। जैसे जैसे आपका जप तप ध्यान बढ़ेगा, अंदर से आपकी जो सोल है वो प्योर होती जाएगी, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योरीफाई होगी, वैसे वैसे आप साधना के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ऊंचे उठते जाओगे। जैसे जैसे आप ऊंचे उठते जाओगे, वैसे वैसे आपका ध्यान, आपका एकाग्रता बढ़ते जाएगा। हर चीज छुपी हुई है, चकमक पत्थर में अग्नि छुपी हुई है, क्या हम देख सकते हैं? दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है, क्या हम देख सकते हैं? इसी प्रकार जब तक मंत्रों का घर्षण, मंत्रों का जाप चैंटिंग रिपीटेडली नहीं होगा, तब तक वो आभा मंडल तैयार नहीं होगी और उस आभा मंडल में वो ईश्वरीय शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी। आप में से कई पूछते हैं, हम अपना इष्ट किसको माने? अरे भाई, इष्ट मानने का नहीं है, आप पूजा करते रहिए। जिस इष्ट का आपको आशीर्वाद मिलना है वो स्वयं आपके स्मृति में आ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूर्व जन्म का कनेक्शन है तो अपने आप ही वो इष्ट देवता आपके सामने प्रकट होंगे। वो कौन होगा ये आपको शुरुआत में पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी, आपको स्वयं समझ में आएगा कि बार बार कौन सा दृश्य, कौन से देवता के दृश्य मेरे सामने में आ रहे हैं, अतः
यही मेरा इष्ट है। जब तक आपकी साधना इंटेंस नहीं होगी, उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी, साधना के अंदर बहुत प्यार प्रभु के प्रति, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं होगी, तब तक मिरेकल्स दर्शन नहीं होंगे। जैसे ही आपकी पुकार बहुत तीव्र, बहुत इंटेंस होगी, वैसे वैसे आपका स्तर ऊंचा उठते जाएगा। जैसे जैसे आपका स्तर साधना में ऊंचा उठते जाएगा, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती जाएगी और तमाम कर्मों का फल जो इस समय आपके सामने आ रहा है, उनको सहन करने की, समझने की आध्यात्मिक शक्ति भी आप प्राप्त कर लोगे। We'll be right back.